नमस्कार। 4000 घंटे पूरे करने का ऐसा तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ, चाहे YouTube का कितना भी अपडेट आ जाए या आज से 5 साल बाद भी YouTube को आप देखेंगे, उस बीच में कितने सारे अपडेट आ जाएंगे, लेकिन ये तरीका कभी बंद नहीं होने वाला है। वो तरीका इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ से आगाह करने वाले हैं। वो ज़रा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा समझदारी से दिमाग पे जोर डाल के सोचिएगा कि कितना सही मैं बता रहा हूँ, कितना गलत बता रहा हूँ, ताकि इतना ही से आपको समझ में आ जाए कि आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको कितना सही दूंगा। उसके लिए सबसे पहले तो अगर आप टेढ़े तरीके से खुद से चैनल मोनेटाइज करते हैं या कहीं से मोनेटाइज कराते हैं, उस चैनल की वैल्यू कभी भी 8 से 10 हज़ार रुपये की होती है। किसी से सेल कीजिएगा, मान लीजिए आज आपने मोनेटाइज कर लिया, तो उसकी वैल्यू कभी भी आपको 7-8 हज़ार रुपये समथिंग रहता है। तो इसमें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। रही बात कि टेढ़े तरीके से चैनल मोनेटाइज करने के बाद ग्रो होता है कि नहीं, तो इसका साफ साफ जीता जाता एग्जांपल मेरा चैनल है कि जो कि 9 महीने चैनल सस्पेंड था यूट्यूब के पास, 9 महीने में लगभग 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर माइनस गए थे, चैनल पूरी तरह से डेड हो गया था, लेकिन अभी भी 1.5-2 लाख व्यू आने लगा है मेरे चैनल पर। तो चैनल कभी डेड नहीं होता है। चैनल पर अगर आपका कॉन्टेंट बेहतर बना करके शुरुआत से डालना स्टार्ट किए तो 5-10 दिन 15 दिन या 20-30-40 वीडियो जाते तक वो फिर से स्पीड पकड़ लेता है। तो इसको कोई भी यूट्यूबर कहीं भी खड़ा होकर बोले, मेरे साथ बैठ कर डिबेट करे, मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ और किसी भी पॉइंट पे उनको जीतने नहीं दूंगा, ये दावा करता हूँ। क्योंकि ये सारा सर वो झूठ बोलते हैं ताकि आप उनकी वीडियो देखते रह जाओ। इसीलिए आंकड़ा आप देख ही रहे हैं कि लोग मोनेटाइज नहीं कर पाते। अभी आपको हम जो प्रूफ दिखाने वाले थे, दो वीडियो प्रूफ दिखाएंगे, अपने ही बात से कैसे पलट जाते हैं वो दिखाने वाले हैं। 4 दिन पहले इन्होंने क्या बोला था, सामने मनोज भाई की वीडियो दिख रही है, 4 दिन पहले इन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो, सिर्फ मोनेटाइजेशन पे पड़े रहते हैं, और आज क्या बोल रहे हैं देखिएगा। जो बात मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ कि ये 2016-17-18 के समय में उठे हुए लोग हैं जहाँ व्यू कंपटीशन कम था, अब ये देखिए, अब ये असलियत पे अब आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों का मैसेज आ रहा है कि अभी यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम ये है कि पहले क्या होता था कि पहले हम कुछ भी वीडियो अगर अपलोड कर देते थे, खास करके शॉर्ट्स वाले, शॉर्ट्स जो वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी शॉर्ट्स अपलोड कर देते थे तो अच्छा खासा व्यूज आ जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे कितना अच्छा सा अच्छा कॉन्टेंट अपलोड कर दे फिर भी व्यूज नहीं आ रहा, किसी किसी का तो 0 व्यूज में रुक जा रहा है, 0 मतलब एक भी नहीं आ रहा। ऐसा भी है बहुत कोई का प्रॉब्लम चल रहा है, और बहुत कोई का पहले जैसे 10,000-20,000 कॉमनली आ जाता था उनका 1-2 हज़ार में रुक जा रहा है, किसी का जिसका लाखों में आता था वो हजार में रुक जा रहा है। तो आखिर भाई प्रॉब्लम क्या है और इसका समाधान क्या है? हर यूट्यूबर आज के डेट पर परेशान हो चुका है यूट्यूब से, रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बने रहे वीडियो पे एंड तक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, होता कुछ ऐसा है ना कि आज आप बात करो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, और इसी से आप 6-7 साल पहले चले जाओ जब 2016-17 चल रहा था, तब आपकी नजर में कितना यूट्यूबर था? आप खुद बोलो कि 6-7 साल पहले आप कितने यूट्यूबर्स को जानते थे? जब नया नया जियो आया था 2016 में, तब आप कितना यूट्यूबर्स को जानते थे? बहुत कम होगा, और कंपटीशन भी बहुत कम था। तो उस टाइम क्या होता था कि 2016 में जब यूट्यूबर्स कम था ना, और यूट्यूब खुद अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा था, आप लोगों को बहुत कोई नहीं पता होगा 2014-15 में ना 16 में यूट्यूब क्या करता था, टीवी में अपना यूट्यूब को लेकर के ऐड चलाता था। चलिए ये बहुत लंबा बात होते जा रहा है, तो ये कुल मिला के आप समझ लिए कि 2024 अभी है जिसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत लंबा समय लग सकता है आपको। लेकिन यही बात ये बड़े यूट्यूबर जो हैं, अब ये उस समय भीड़ कम था, उस समय ग्रो कर गए तो ये चोचलेबाजी तो करेंगे ही करेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, हमने मेहनत किया। अरे उस समय तो तुम्हारे पास तो टेढ़ा तरीका भी नहीं था, टेढ़ा तरीका तो आज हम लोग लेकर के आए हैं लगभग 2020 के बाद से लेके आए हैं, और उसमें जल्दी मोनेटाइज होकर के, अरे जल्दी मोनेटाइज होकर ही अच्छा कंटेंट कोई डालेगा तो क्या दिक्कत है? अगर धीरे 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 1 साल बाद मोनेटाइज बेचारा का किसी का हो, उसमें अपना दम तोड़ दे वो, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है ये आप सोच सकते हैं। और एक और क्लिप सुन लीजिए जिसमें ये बोल रहे हैं कि पहले आप 4000 घंटे पे पड़े रहते हो, ये सब पे पड़े रहते हो। अरे भाई पहले का कंडीशन नहीं है, पहले तुरंत ग्रो हो जाता था तो आदमी फोकस कर लेता पूरा कॉन्टेंट पर बढ़िया से, लेकिन जहाँ फोकस सब्सक्राइबर वास्ट टाइम पे ही टिका रहे, वहाँ पे उसको निपटा कर करके और पूरी तरह से कंटेंट पे फोकस करने का जो दिमाग आ जाएगा, जो 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद, वो अलग रहेगा। तो ये पूरा आपके लिए जो जाल बिछा रहे हैं ये लोग, ये सब और सब अपने व्यू को बटोरने के लिए और अपने ऑडियंस को बरकरार रखने के लिए। दूसरी गलती,
आपकी ये भी होती है कि मैंने देखा है कि कई लोग 5-10 वीडियो डालते हैं और तुरंत कहते हैं सर मोनेटाइज कर दीजिए, ये भी बात गलत है। अरे कम से कम 50-100 वीडियो तक मेहनत कीजिए। 100 वीडियो में क्या होगा, देखिए 100 वीडियो में आपका 90 दिन लगना है, 90-100 दिन लगना है। अगर दो वीडियो एक दो दिन का डालिएगा तो 90 दिन में बहुत वीडियो आपके चैनल पे हो जाएगा। उससे होगा क्या, आपका इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का तरीका बदलेगा। उसके बाद आपको और ये वाला जो बता रहे हैं कि 90 दिन अगर पूरा डेडिकेशन के साथ काम कीजिएगा तो कोई हम जैसे पेड मोनेटाइजेशन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आप अपने चैनल को खुद से मोनेटाइज कर पाइएगा। लेकिन 5-10 वीडियो डाल करके आ जाएंगे, अरे हाँ अब उस कंडीशन में हमने मोनेटाइजेशन कहा है, पेड मोनेटाइजेशन उस कंडीशन में कहा है कि जिस कंडीशन में आप अच्छा कंटेंट बना भी रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी वीडियो आपके चैनल पे है, उसके बावजूद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उस समय आप पेड तरीके से चैनल को मोनेटाइज कीजिए। उसके बाद फिर डॉलर ट्रिक टेढ़े तरीके से डॉलर ट्रिक करके 100-200 डॉलर महीने का कमाइए, ये हमने बोला है। इस पर आप ध्यान देते नहीं हैं। तो छोड़िए इन सब बातों को, छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे कि कैसे आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करता हूं कि कैसे ये सब करना है। ये आप देख लीजिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो 4000 घंटे पूरे करने के लिए आपको करना क्या है, मैं वो बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी आप देखिएगा यहां पे आपको क्या करना है कि आपको सॉन्ग्स यूज करना है। मैं बताता हूं किनका आपको लिखना है, TUN टुनटुन यादव न्यू सॉन्ग। अब ये आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सॉन्ग्स आ गए हैं। जो भी एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर जो सॉन्ग्स अपलोड हुए हैं उनको क्या करना है, आपको उनको डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करने का तरीका आप ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पे, प्रत्यक्ष रूप से बताना बिल्कुल कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ये यहाँ से सॉन्ग एक नहीं, एक वीडियो के लिए 7-8 सॉन्ग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और सभी को मर्ज करके एक साथ तैयार कर लेना पड़ेगा। मतलब सभी को एडिटिंग में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद उसको तैयार कर लीजिए। जब वीडियो तैयार हो जाए उसको अपने चैनल पे अपलोड हो जाइए। डैम श्योर एक और बात निश्चित है कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, सेम ऐसे ही सॉन्ग अपलोड हैं लेकिन इसमें जो मिक्स किया हुआ जिसके वजह से रीयूज कॉन्टेंट नहीं आएगा। और दूसरा, हर वीडियो पर आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम दिख रहा होगा, स्ट्राइक नहीं, क्लेम दिख रहा होगा। अब ऐसी वीडियो डालते डालते जहाँ जैसे ही आपका चैनल पे 4000 घंटे कंप्लीट होगा, और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है, जैसे ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा आप अप्लाई कर दीजिएगा, एडसेंस अच्छे से कनेक्ट कर दीजिएगा, आपका चैनल 110% मोनेटाइज होगा। इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका फेस वैल्यू नहीं है और तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को उठा करके उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको मेंशन कीजिएगा और जहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक वहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे अपना सोशल मीडिया का लिंक। और ये बात हर वीडियो के लिए है, जितने भी वीडियो ऐसे आप अपलोड करेंगे सभी में प्रॉपर आपका डिस्क्रिप्शन मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आपका फेस नहीं है, आपका वॉइस नहीं है, डायरेक्ट म्यूजिक है। उस कंडीशन में आपको ये करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में होगा उसी डिस्क्रिप्शन को उठा के डालिएगा आपको, और आप सोशल मीडिया से लिंक सिर्फ अपना ऐड कर दीजिएगा। एडिटिंग जो भी करना होगा, नाम वाम चेंज करना होगा कहीं कहीं, वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप उस वीडियो को पब्लिश कर दीजिए, एक दो वीडियो, तीन वीडियो, 30-40 वीडियो जाते तक एकदम गारंटी है कि आपका 4000 घंटे कंप्लीट हो जाएगा और बिना कोई पेड तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी से ना भी हो पाए तो डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पेड तरीके से आपके चैनल को मोनेटाइज करके दे देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोनेटाइजेशन वाले कंडीशन मैंने कई बार कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ तो मेहनत कर लीजिए, कुछ मेहनत के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब जा करके आप अपने चैनल पे पेड मोनेटाइजेशन के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड टेक केयर।